नमस्कार, दोपहर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन में सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हरियाणा से है। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गृह मंत्री अनिल विज से उनके दो विभाग लिए जा सकते हैं वापस, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। विज से गृह और स्वास्थ्य विभाग वापस लेने की तैयारी। विभाग वापस लिए जाने पर अनिल विज है नाराज। आपको बता दें कि नाराजगी के कारण ही विज शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए थे। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और उसके बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। गृहमंत्री अनिल विज से दो विभाग वापस लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी की वजह से ही गृहमंत्री अनिल विज शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए थे। स्वास्थ्य विभाग वापस लेने की तैयारी। कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली को जिस तरीके से कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्री पद दिया गया, उसके बाद उनको जिम्मेदारियां भी अब सौंपी जानी है, उसको लेकर मंथन किया गया। और उसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अनिल विज से दो विभाग वापस लिए जा सकते हैं। कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी और जेजेपी के कोटे से हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। अब हरियाणा मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल में देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता के बाद 14 मंत्री हो चुके हैं और तकरीबन 2.25 साल के बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार था। अब अनिल विज नाराज हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद अनिल विज नहीं पहुंचे गृहमंत्री, अब नाराजगी की खबरें आ रही हैं कि उनसे जो विभाग वापस लिए जा सकते हैं, कितनी पुख्ता हैं ये खबरें? देखिए, अभी क्योंकि कल दो नए मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, दो मंत्रियों को शपथ हुई है और उसके बाद अभी तक मंत्रालय जो दिए जाने थे, अमूमन देखा जाता है कि शपथ ग्रहण के बाद ही जो पोर्टफोलियो है वो जारी कर दिए जाता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर अब फैसला नहीं लिया गया अंतिम। और क्योंकि एक जननायक जनता पार्टी के विधायक को मंत्री बनाया गया देवेंद्र बबली को, और ये चर्चा है कि पंचायत विभाग दिया जा रहा है। फिलहाल में पंचायत विभाग जो है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है, और वहीं जो बीजेपी से विधायक बने हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्हें जो विभाग दिया जाना है वो ये चर्चा थी कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग उन्हें दिया जा रहा, और शहरी स्थानीय निकाय विभाग जो है वो अनिल विज के पास है जो गृह मंत्री हैं अभी। इस पर सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसी चर्चाएं जो है वो है, ऐसी जानकारी जो है वो सूत्रों से मिल पा रही है कि अभी इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। अनिल विज से अगर विभाग लिया जाता है तो उन्हें दूसरा विभाग कौन सा दिया जाएगा, और क्या दूसरे मंत्रियों के भी जो मंत्रालय हैं उनमें बदलाव होगा? ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो ये जानकारी मिल पा रही है कि अनिल विज जो गृह मंत्री हैं अभी वो नाराज है, जिस तरीके से शहरी स्थानीय निकाय विभाग एक बड़ा विभाग रहता है और ये विभाग अगर उनसे लेकर कमल गुप्ता को दिया जाता है तो सीधे सीधे तौर पर जो अभी कद है गृह मंत्री का वो उनके जो महकमे हैं दमदार महकमे, चाहे उसमें हेल्थ की बात हो, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बात हो, गृह विभाग उनके पास है, अगर उसमें से शहरी स्थानीय निकाय विभाग ले लिया जाता है, कोई दूसरा विभाग उन्हें नहीं दिया जाता, तो स्वाभाविक है कि नाराजगी जो है वो बढ़ेगी। और अभी तक जिस तरीके से फैसला नहीं हो पा रहा है मंत्रालयों को लेकर, तो इससे भी कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। अनिल, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और खासकर विस्तार हुआ कहा जाए तो, और इसमें ये भी था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो समर्थित जो भी विधायक हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने, मनोहर लाल के सामने क्या कितनी बड़ी चुनौती होगी अनिल विज को एक तरफ मनाना और दूसरी तरफ पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना और
बात की जाए तो जातीय समीकरण को भी साधते हुए रहना। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी देखना होगा कि किस तरीके से तालमेल जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से बैठाया जाता है। यहाँ पर यही सवाल है सबसे बड़ा कि अगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग अभी अनिर्दिष्ट से लेकर दिया जाता है तो क्या दूसरे मंत्री जो हैं उनके मंत्रालयों में भी जो फेरबदल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। और सामंजस्य बिठा कर रखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री को सभी को लेकर चलना है, कोई नाराज ना हो ये भी ख्याल रखना रहता है। और विभागों का जिस तरीके से बंटवारा होगा नए मंत्री के आने के बाद, तो इसी को लेकर आपसी जो रजामंदी है वो बनाने का प्रयास जो है वो पार्टी के अंदर खाने चल रहा है। जी। अनिल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रहे हैं, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। नाराजगी की वजह से अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से अनिल विज को मनाया जाए, साथ ही कैबिनेट में बैलेंस बनाया जाए और विभाग की जिम्मेदारियां जो नए मंत्री बने हैं उनको सौंपी जाए।